दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि Xiaomi ने MIUI वर्जन 9.2.13.0 इधर सस्पेंड कर दिया है और उसके बाद एक दिन के बाद यूजर्स ने कमेंट किया मेरे वीडियो पे, इधर MIUI वर्जन 9.13.0 सस्पेंड नहीं हुआ है, वो अपडेट फिर से आया है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपको MIUI वर्जन 9.2.13.0 का इधर अपडेट आया है तो आज मैं बताऊंगा कि क्या आपको उसमें अपडेट करना चाहिए और आपको उसमें कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, Xiaomi ने क्या इंप्रूवमेंट्स किए, आपको कौन से बग्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज MIUI वर्जन 9.2.13.0 का रिव्यू दूंगा। डायरेक्टली के टॉपिक की बात करूं, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा लक्ष्य जो हमारे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने हमें अपनी पूरी एक्सपीरियंस और अपना रिव्यू शेयर किया है इस MIUI वर्जन 9.2.13.0 के बारे में कि कौन सी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाती है। तो मैं लक्ष्य जी को इधर थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने इधर वीडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले अगर मैं इधर रिव्यू की बात करूं तो अगर आपको इधर MIUI वर्जन 9.2.13.0 का इधर अपडेट आया है तो उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें 10 बार उन्होंने ट्राई किया उसके बाद उनका ये MIUI वर्जन 9.2.13 इंस्टॉल हुआ है। तो आपको भी इस तरह ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोगों का इधर इंस्टॉल नहीं हुआ है और बहुत जने मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हमें इधर अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो MIUI वर्जन 9.2.13.0 को इंस्टॉल करने के बाद आपको इधर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाता है और आपको इधर एंड्रॉइड वर्जन 7.1.1 नोगट देखने को इधर मिल जाता है। अगर मैं इधर रैम परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अपडेट से पहले 2.2 GB रैम इधर फ्री रहती थी और अपडेट के बाद इधर सिर्फ 2 GB रैम फ्री है, पर उन्होंने बताया है कि अपने रिव्यू में कि इधर आपको परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव देखने को मिल जाती है, iOS जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो इस अपडेट ये एक स्टेबल अपडेट है, तो अगर आपको अपडेट आया तो आप अपडेट कीजिए, इधर आपको इतने बग्स देखने को नहीं मिलते। चलिए दूसरे इंप्रूवमेंट के बारे में अगर मैं इधर बात करूं, अगर हम इधर कैमरा ऐप ओपन करते हैं तो जो हमको 2x ऑप्टिकल जूम का इधर बग था, जो प्रॉब्लम था, वो भी Xiaomi ने इस अपडेट में सॉल्व कर दिया है। अभी आपको एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है 2x ऑप्टिकल जूम का और आप जब इधर कैमरा ओपन करते हैं, पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको इधर कोई 2x ऑप्टिकल जूम का प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको बस उस बटन को सिलेक्ट करना है, आपका 2x ऑप्टिकल जूम एक्टिवेट हो जाएगा। तो यही कुछ Xiaomi के इस MIUI वर्जन 9.2.13.0 में कुछ चेंजेस की गई हैं और ये अपडेट एक इंप्रूवमेंट अपडेट था। सजेस्ट करता हूं आपको कि आप अपडेट कीजिए अगर आपको अपडेट आया है, और अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए क्योंकि Xiaomi ने इधर अनाउंस किया है कि Xiaomi को मिलने वाला Android Oreo का अपडेट Redmi Note 5 Pro को अर्ली जून में कि हम इधर एक्सपेक्ट कर सकते 10th जून या मिड जून तक हमको इधर MIUI 9.5 बेस्ड ऑन Android 8.1 Oreo देखने को इधर मिलेगा। आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, Redmi Note 5 Pro से रिलेटेड और Xiaomi MIUI 10 से रिलेटेड आपको इधर न्यूज देखने को इधर मिलेगी। तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल के साथ बने रहिए, एंड्रॉइडर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की नॉन स्टॉप टेक न्यूज और टीएस स्टडीज और टेक से रिलेटेड कंटेंट के लिए।